व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे हैं। तो इसी के साथ फिर न्यू ब्लॉग में आपका तह दिल से स्वागत है। और आज का ब्लॉग होने वाला है पटना इको पार्क का, तो आप बने रहिए, लेट्स गो। ये इको पार्क का फर्स्ट फेज का राउंड व्यू होने वाला है, जिसमें आप इको पार्क को चार ओर से देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये पटना का वन ऑफ द बेस्ट पार्क होने वाला है। तो गाइस, हमारे मित्र लोगों का फर्स्ट फेज यानी इको पार्क का फर्स्ट फेज में ये काफी थक चुके हैं, इसलिए इन लोगों को विश्राम करने के लिए यहाँ पर हम छोड़ देते हैं और हम आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको काफ़ी बड़ा पार्क है और ब्लॉग लेना है। तो ये आपको पहला सुरंग मिलेगा जो कि इको पार्क को एक फेज से दूसरे फेज को जोड़ता है, और ये काफी एक बार आने के बाद चिल्लाने का मन करता है। आप भी आइएगा ना, आपको मन करके चिल्लाने का। लेकिन हम लोग आज घूम के नहीं जा रहे हैं, यहीं से घूमने का। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारा महावीर का चक्र दिखाया गया, और आप कुछ इतिहास दिखाने का प्रयास करेंगे जो कि बुद्ध का जो आप आइए तो गौतम बुद्ध के बारे में जरूर पढ़िए, काफी कुछ दर्शाया गया है प्रतिमा, और इसको पढ़िए जरूर। यहाँ दिखेगा नहीं कैमरा में, आप आइए तो एक बार यहाँ कष्ट कीजिए। इधर से चला, इधर से हम लोग थोड़ा घूम के चलने का प्रयास करेंगे गाइस। तो मतलब कि माहौल काफी, मतलब देखिए घर से आने का मन नहीं करता, लेकिन एक बार यहाँ आ जाइएगा ना तो जाने का भी मन नहीं करता। बट क्या करें, टाइम होने के बाद गार्ड तो कहता है जाओ, तो जाना पड़ता है। तो ये सुरंग को आप देख के काफी रियलाइज कर सकते हैं, और यहाँ पे ब्लॉगिंग काफी हो रही है। देखते बगल में भी एक लड़का ब्लॉग कर रहा है, दो बार दरोगा निकल चुका, इस बार आनी है, तो देखा जाए क्या होता है। और हम लोग में भाई सब पढ़ने वाले मिले, कोई घुमक कर नहीं। ये देखिए यूपीएससी वाले भाई, ये यूपीएससी वाले भाई हैं, इस बार यूपीएससी पास एकदम 100% आई एम श्योर। होना या नहीं होने सवाल, सवाल कहाँ से दीजिएगा दीजिए, हम लोग तो खोज रहे कहाँ से बनेगी बनाइए बस हम लोग तैयार में है। तो अब माहौल कुछ ऐसा होने वाला है दोस्तों, पीछे का थोड़ा माहौल दिखाने का प्रयास हम लोग करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस पार्क में नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंस अवशेष को भी दिखाया गया है, जो कि हमारे इतिहास को भी याद दिलाता है, जो बख्तियार खिलजी द्वारा ध्वंस किया गया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और इसको देखने के बाद तो इतिहास तो याद आता ही है। आपको बता दें कि इस पार्क में आने के बाद हमारा मन काफ़ी यहाँ के हरियालियों में घुल मिल जाता है। ये खूबसूरती इको पार्क का, यहाँ आने के बाद आपको क्या बोले हम, मतलब कि हम तो आते हैं तो कभी भी यहाँ से फ्रेश होके ही गए, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि आके अफसोस किए कि नहीं आना चाहिए, हमको आने के बाद बहुत यहाँ पर अच्छा लगता है। जब भी मेरा मन नहीं लगता है तो हम यहाँ पे एक बार आ जाया करते हैं, फ्राइडे सैटरडे और संडे के दिन। और पीछे का थोड़ा व्यू आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, पीछे में यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार है पीछे का। एक बार हम बैक कैमरा से दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कॉमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।